अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं कैबिज की मंचूरी। इसके लिए हमने कैबिज लिया है, जिसको हमने इस तरह से अच्छे से बारीक कट करके धो रहे हैं। दो पानी से इसको हम अच्छी तरह से धोएंगे। इधर हम ऐड करेंगे गाजर, जिसको हमने ऐसे खीसा है। इसके अंदर हमने दो गाजर लिए हैं। गाजर को भी हमने अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे स्प्रिंग ऑनियन। इसके अंदर अब थोड़ी ऐड करेंगे, बाद में और थोड़ी लेंगे। और साथ ही साथ इसके अंदर हम ऐड करेंगे ग्रीन चिली, जिसको हमने बारीक कट कर लिया। इसके अंदर हमने चार ग्रीन चिली ली है। इसको भी इसके अंदर ऐसे ऐड करेंगे। और अब इसके अंदर हम डालेंगे ऐड करेंगे मैदा। मैदा हमने 2 टेबलस्पून लिया है। और साथ ही साथ ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हमने 4 टेबलस्पून लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने हिसाब से स्वाद अनुसार ले सकते हैं। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। और साथ ही साथ हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। और अब इसको हम अच्छी तरह से इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर हम पानी नहीं ऐड करेंगे। ऐसे ही इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। ऐसे ही मिक्स करके इसको अच्छी तरह से हम इसके छोटे छोटे गोले बनाएंगे। ये देखिए, आपको जो साइज चाहिए आप ऐसे गोले बना सकते हैं, छोटे या बड़े। देखिए, हम अब दो बना के आपको बताते हैं। देखिए, चलिए अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम बॉल्स को डालेंगे और इसको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको पलटेंगे। ये देखिए, दोनों साइड से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। और ग्रेवी के लिए हमने लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल। इसके अंदर हमने गार्लिक को बारीक कट करके डाला है। अब इसके अंदर हम 1 ग्रीन चिली डालेंगे, जो हमने बारीक चॉप की है। और साथ ही साथ इसके अंदर हम 1 प्याज को ऐसे लंबे कट करके अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने ऐसे लंबा कट कर लिया। इसको अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। और इसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे शिमला मिर्च हमने 1 लिए। इस तरह से इसको भी ऐसे बारीक लंबा कट करना है। और इसको भी अच्छी तरह से हम ऑयल में भून लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस। और साथ ही साथ डालेंगे हम इसके अंदर टमाटो केचप भी हमने 2 टेबलस्पून डाला है। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
और अब हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर को हमने एक टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को हमने पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये देखिए अब हमारी थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारी ग्रेवी थिक हो जाए, और इसको ऐसे ही 5 मिनट उबाल आने देंगे। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे हमारे बॉल्स, मंचूरियन बॉल्स, और इसको एक 5 मिनट ऐसे ही पकने देंगे। इस अभी हमको गैस का फ्लेम मीडियम पर रखना है। अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे ऊपर से स्प्रिंग ऑनियन। ये देखिए अब हमारी ग्रेवी थिक हो गई है, और साथ ही साथ इसके अंदर हमारे बॉल्स भी थोड़े पक चुके हैं। अब हम इसके अंदर निकाल लेते हैं इसको। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।